Hi everyone, in this example we have to learn the different boxes which is available in JavaScript. So JavaScript mein teen type ke boxes available hai. One is alert box, which is one of the famous one, that is called as message box also. Second one jo hai hamara confirm box hai. In case agar aapko user se koi values generate karna hai aur uske upar agar aapko decisions generate karna hai, then you can use confirmation box. And third one jo hai, that is aapka prompt box hai. Agar aap user se directly koi values लेना चाहते हो तब आप ये प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूसेज कर सकते हो. सो लेट्स मूव टू दिस एग्जांपल फर्स्ट. सो नाउ आवर फर्स्ट बॉक्स इज अलर्ट बॉक्स. आप इसको अलर्ट बॉक्स और मैसेज बॉक्स कह सकते हो. सो लेट्स ए सिंपल अलर्ट बॉक्स असाइन कर दें और अलर्ट बॉक्स के अंदर एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, लेट्स ए हेलो वर्ल्ड. और अगर आप रन करोगे ये फाइल को विद ब्राउजर, इफ यू सी, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा मैसेज बॉक्स जनरेट हो चुका है. सो आप अलर्ट बॉक्स के अंदर डायरेक्टली मैसेजेस प्रिंट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट वन, अलर्ट बॉक्स. नाउ लेट्स मूव टू कन्फर्मेशन बॉक्स. सो अगर जब आप कोई आपके एप्लीकेशन में कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हो, लेट्स से अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो, जहाँ पे आपको डिसीजंस लेना है, यहाँ पे आप कन्फर्मेशन बॉक्स यूज कर सकते हो. सो कन्फर्मेशन बॉक्स कैसे लिखते हैं? तो कन्फर्मेशन बॉक्स में आपको यहाँ पे एक मैसेज पास करना है. ये मैसेज कोई भी टाइप का मैसेज हो सकता है. सो आई विल से डू यू वॉन्ट टू डिलीट. तो आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया है. अब कन्फर्मेशन बॉक्स जो है वो रिटर्न में आपको एक वैल्यू जनरेट करके देते हैं. वो वैल्यू हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं. सो लेट्स से एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं आंसर, और कन्फर्मेशन बॉक्स से जो भी आपको वैल्यू जनरेट होकर मिलेगा ये आपका आंसर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. सो आई विल से कंसोल डॉट लॉग आंसर. सो अगर आप यहाँ पे रिलोड करोगे ये केस में, सो नाउ कन्फर्मेशन बॉक्स में ये मैसेज जनरेट हो गया. और आपको यहाँ पे दो बटन्स अवेलेबल है, ओके और कैंसल. अगर आप ओके पे प्रेस करोगे तो इसका वैल्यू जो है वो आंसर में स्टोर होगा. लेट्स सी क्या वैल्यू स्टोर होता है आंसर में. सो आंसर में स्टोर हो गया ट्रू एज एन आंसर, फाइन. और अगर आप कैंसल पे प्रेस करोगे तो ऑब्वियस है कि आपका जो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स. सो आप ट्रू और फॉल्स ये जो आपको वैल्यूज मिले इसके बेस पे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या कंसिडर करना है. सो इफ आई से इफ आंसर दैट इज ट्रू, सो आंसर जो है यहाँ पे आपको या तो ट्रू मिलेगा या तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, दो में से एक. सो लेट्स से अगर आंसर ट्रू है सो कंसोल में आप प्रिंट करोगे यहाँ पे यस डिलीट. ये जस्ट एक स्टेटमेंट है फॉर रेफरेंस के लिए. एल्स अगर आपका आंसर में आपने कैंसिल बटन पे क्लिक किया हुआ है कन्फर्मेशन बॉक्स में, सो आई विल से नो. सो लेट्स चेक इट आउट. सो इफ आई डू रीलोड, कन्फर्मेशन बॉक्स आपको एक मैसेज पास कर रहे हैं. अगर आप ओके पे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा डू डिलीट. अदरवाइज कैंसिल पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा नो. सो दैट इज रिलेटेड टू कन्फर्मेशन बॉक्स. सो ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्पेशल केस है डिलीशन प्रोसेस में आपको ये यूज़ करना चाहिए. अगर आप कोई वैल्यू डिलीट करते हो एज वेल एज अगर आपको लॉगआउट के टाइम भी अगर आपको ये देना है यूजर को तो आप दे सकते हो. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू कन्फर्मेशन बॉक्स. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज लास्ट वन, प्रॉम्प्ट बॉक्स. सो प्रॉम्प्ट बॉक्स आपको कब यूज करना है? अगर आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूजर के लिए अगर आपको कोई वैल्यूज एक्सेस करना है तो आप यहां पे प्रॉम्प्ट नाम का बॉक्स यूज कर सकते हो. सो प्रॉम्प्ट बॉक्स में जो फर्स्ट पैरामीटर है वो आपको एक मैसेज पास करना है. सो आई विल से एंटर नंबर, एक हमने यहां पे मैसेज पास कर दिया. सो रन करते ये एग्जाम्पल को. सो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो एक एंटर नंबर करके एक मैसेज जनरेट हो गया और साथ में आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स भी जनरेट हो गया. मतलब यूजर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू पास ऑन कर सकता है और ये वैल्यू जो है वो आपको एक वेरिएबल में एक्सेस करना होगा. सो आई विल से रिकॉर्ड इक्वल टू दिस. सो प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है थोड़ा सा वेरिएशन के साथ है. जो भी आप मैसेज पास करोगे वो यहाँ पे अवेलेबल होगा और आप जो भी टेक्स्ट बॉक्स में पास करोगे वो वैल्यू जो है वो आपके रिकॉर्ड ये वेरिएबल में ट्रांसफर हो जाएगा. तो अगर आपको यूजर से कोई डेटा चाहिए और वो डेटा आपको यूटिलाइज करना है सो डायरेक्टली आप प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं. लेट्स डू रीलोड अगेन. सो नाउ इट इज सेइंग एंटर नंबर और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू पास करते हैं 300. एंड इफ आई डू ओके सो ये 300 आपके प्रॉम्प्ट बॉक्स में थ्रू आपके कंसोल में अवेलेबल है. लेट्स से अगर आपको डिफॉल्ट कोई नंबर असाइन करना है तो सेकेंड पैरामीटर आप यहाँ पे पास कर सकते हो. लेट्स से डिफॉल्ट नंबर इज 200. सो सेकेंड पैरामीटर जो है प्रॉम्प्ट बॉक्स में दैट इज एन ऑप्शनल पार्ट.
अगर आप यूजर को कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू देना चाहते हो तब तो आप यहाँ पे एज अ सेकेंड पैरामीटर पास कर सकते हो। सो लेट्स डू रीलोड अगेन। नाउ मैसेज इज अवेलेबल एंटर नंबर और डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 200 है विच कैन बी चेंज नो प्रॉब्लम। और अगर आप ओके करोगे तो आंसर इज सेम। सो जावास्क्रिप्ट में ये तीन फेमस फंक्शन है और यू कैन से दिस आर द थ्री इनबिल्ट फेमस बॉक्सेस। वन इज अलर्ट बॉक्स, इट इज प्योर मैसेज बॉक्स। सेकेंड वन इज कन्फर्मेशन बॉक्स वेयर यू कैन हैव टू बटन्स ओके एंड कैंसल एंड डिपेंड्स ऑन बटन्स ऑन विच यू हैव प्रेस्ड अब उसके बेस पे आप अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हो। दैट वॉज रिलेटेड टू इफ एल्स। एंड जो थर्ड वन है दैट इज आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स है। अगर आपको यूजर से कुछ वैल्यूज रिसीव करना है तो आप प्रॉम्प्ट बॉक्स में फर्स्ट पैरामीटर मैसेज पास कर सकते हो एंड जो सेकेंड पैरामीटर है वो टोटली ऑप्शनल है। इनकेस अगर आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास ऑन करना है तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। सो ये एग्जाम्पल में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज डू आस्क एंड कमेंट। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू अदर्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।